बहुत सारा बचा हुआ है अभी, तो 50% खेत में भी नहीं आया है और फिर घर पे जाके और करना है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग्स में। आज का अपना काम है ये, थोड़ी बहुत खेती का काम भी करना चाहिए, तो वीडियो पर बने रहो। और हम ये यूरिया खाद है जो देते हैं खेत में। ये 50% काम कंप्लीट हुआ है मेरा और ये इतना बच चुका है अभी भी, और हालत आप देख सकते हो, पूरे पसीने में भीग गए हैं। लेकिन काम भी करना पड़ेगा, खेत का भी करना ही पड़ेगा। तो वीडियो को, आज वाले वीडियो में तो सच में मेहनत की है, पसीना आपको दिख रहा है। तो आज वाले को तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी तो और जगह जाना है खेत में, दूसरी जगह उसमें और काम करना है, तो वीडियो पे बने रहो और वीडियो को पूरा देखना। और इसको डालने का मकसद यही है कि ये डालने के बाद में फसल है ना, वो एकदम से ग्रोथ बढ़िया करती है। और जो ये भी जो होते हैं गोजा लट वगैरह, ये उसको नहीं काटती है फसल को। और ये इधर देखो मूंगफली है, वो दिखा देता हूँ, ये देख लो, इधर भी है और उधर उधर बाजरा है। और उधर मैंने कहा था ना थोड़ी दूर उधर घर के पास में जो खेत है उसमें और छांट डालना है ये। तो अब देख लो यहाँ से पास में ये दिख रहा है आपको, जो ये थोड़ी सी दूरी में है, इस पर डालना जो बचा हुआ। तो वीडियो पे बने रहो और वीडियो नहा धो के उसके बाद में एंड करेंगे, तो तब तक वीडियो एंजॉय करो। मुझे थोड़ी सी वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि वीडियो में लेंथ लंबी हो रही थी और यही चल रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। तो ये लास्ट है और ऑलमोस्ट ख़त्म है और हमारा स्टोरेज फुल हो रहा है, ये क्या समस्या हो रही है। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट काम हो चुका है लेकिन हमारे फ़ोन के स्टोरेज ने ये बोल दिया है कि ये फुल हो चुका है, तो आगे आप शूट नहीं कर सकते। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज वाले में रियल मेहनत की है मैंने, आपने देखा है पसीना भी, तो आज सपोर्ट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।